हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू चैप्टर ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एनिमल पार्टनर्स. एज वी ऑल नो दैट इन आवर रियल लाइफ, एज वी ऑल सोशल क्रिएचर, हम लोग क्या हैं? एक सामाजिक प्राणी हैं. तो हम लोगों को अपने वर्क को करने के लिए एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है. इन द सेम वे, इसी तरह से एनिमल्स को भी एक दूसरे की नीड होती है, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने भोजन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए. दे डिपेंड टू ईच अदर, एक दूसरे पर वो डिपेंड होते हैं. तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो है एनिमल पार्टनर्स. एनिमल पार्टनर्स यानी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक दूसरे से, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इस तरह से वो अपनी लाइफ को इजीली पास करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मैनी एनिमल्स शेयर म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद ईच अदर. बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो अपने उनके आपस में एक म्यूचुअल और बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती है. बेनिफिशियल रिलेशनशिप यानी एक दूसरे के लिए वो लाभदायक होती है. द रिलेशनशिप डेवलप्स आइदर फॉर फूड और फॉर प्रोटेक्शन. और ये जो रिलेशनशिप उनके बीच में डेवलप होती है, या तो वो भोजन के लिए होती है या उनकी सुरक्षा को लेकर के होती है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल शेयर अ म्यूचुअल रिलेशनशिप विद बर्ड्स लाइक प्लोवर्स एंड वाटर डिकोब्स. क्रोकोडाइल जो अपनी रिलेशनशिप को बनाते हैं, शेयर करते हैं, वो प्लोवर्स और वाटर डिकोब्स नाम की जो बर्ड्स हैं उनसे बनाते हैं. दैट डू नॉट फियर कमिंग क्लोज़र टू देम. और ये जो बर्ड्स हैं वो उनके पास आने में, बिल्कुल क्लोज होने में उनको नहीं डर नहीं लगता है. प्लोवर्स पिक ऑफ द ब्लड सकिंग लीचेस फ्रॉम देयर गम्स. प्लोवर्स क्या करती हैं, उनके मसूड़ों में से, क्रोकोडाइल के से मसूड़ों में से, गम्स में से खून चूसने वाले लीचेस को निकालती हैं. वाइल द वाटर डिकोब्स ईट द इंसेक्ट्स दैट बॉदर द लार्ज रेप्टाइल. जबकि वाटर डिकोब्स नाम की जो बर्ड है वो इस इतने बड़े सरकने वाले जीव की बॉडी में से उन इंसेक्ट को निकालती है जो इसको परेशान करते हैं. सेकेंड, राइनोसिरोस. राइनोसिरोस लेट द ऑक्स पिकर्स राइड ऑन दियर बैक्स. राइनोसिरोस ऑक्स पिकर्स नाम की एक बर्ड है, उसको अपनी पीठ पर बैठा करके घुमाता है. एज दीज बर्ड्स ईट द इंसेक्ट्स दैट बाइट देम. क्योंकि ये चिड़िया उसको काटने वाले इंसेक्ट को खा जाती है. नेक्स्ट, अ हनी बैजर एंड द बर्ड हनी गाइड. Enjoy the honey feast with the help of each other. Honey badger नाम का एक एनिमल और honey guide नाम की एक चिड़िया, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प से honey feast यानी शहद का जो भोजन होता है उसको enjoy करते हैं. कैसे करते हैं? The honey badger follows the honey guide to the wild bees nest. हनी बैजर हनी बी के पीछे पीछे जंगली मधुमक्खियों के घोंसले तक पहुंचता है. एंड टीयर्स इट ओपन विद इट्स पावरफुल जॉज. और अपने मजबूत जबड़ों से ये उनके घोंसले को फाड़ करके खोल लेता है. बोथ ऑफ देम देन रेलिश टुगेदर द हनी. और इसके बाद दोनों जो शहद होता है उसका पूरा मज़ा लेते हैं. नेक्स्ट है रेस. रेस इज़ अ स्मॉल फिश. रेस एक बहुत छोटी सी फिश होती है. दैट ऑफन गोज इन टू द माउथ्स ऑफ द लार्ज मैरीन एनिमल्स टू फीड इट्सेल्फ ऑन द डेड मैटर इनसाइड एंड इन टर्न क्लीन्स देम अप. रेस नाम की एक छोटी सी मछली अक्सर मैरीन एनिमल्स यानी समुद्री जो जानवर होते हैं उनके मुंह में, बड़े से मुंह में चली जाती है. बड़े बड़े जो समुद्री जानवर होते हैं उनके मुंह में चली जाती है अपना भोजन लेने के लिए. भोजन कहाँ से लेती है? ऑन द डेड मैटर इनसाइड. इनके बॉडी के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, डेड मैटर्स होते हैं, मृत चीज़ें होती हैं, उनसे ही अपना भोजन करती है. एंड इन टर्न क्लीन्स देम अप. और उनको क्लीन करके वो वापस आ जाती है. A clown fish wanders on the sea anemone
एक क्लोन फिश होती है जो सी एनमन, जो समुद्र की समुद्री सतह पर निचली सतह पर जो समुद्री जीव होते हैं उन पर क्लीनिंग अप द पैरासाइट्स, उन पर जो पैरासाइट्स होते हैं उनको क्लीन अप करती है, उनको साफ कर देती है ऑन इट्स टेंटेकल्स बाय फीडिंग ऑन देम। इनके बॉडी पर जो पैरासाइट्स होते हैं उनको वो अपना भोजन बना करके उनको क्लीन कर देती है। इट हैज़ अ स्पेशल म्यूकस लेयर ऑन इट्स स्किन, इसकी स्किन पर एक लिसलिसी सी एक लेयर होती है दैट सेव्स इट फ्रॉम द पॉइजनस टेंटिकल्स ऑफ द एनिमल, जो एनिमल के जो टेंटिकल्स होते हैं जहरीले टेंटिकल्स होते हैं उनसे इनकी उनको सेव करती है। स्टूडेंट्स इन दिस वे योर चैप्टर is completed, animal partners, and now we will come on do yourself in new videos. Till then, have a nice day.